अच्छा हम सेवा करें और इस देश के अंदर ब्राह्मण माल मलाई मारे ये नहीं देखा जाता, तो मंदिर से शिक्षा नहीं मिलेगी, मंदिर से मिलेगी अंधभक्ति अज्ञानता। जैसे शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये डिक्टेटरशिप कर रहा है, ये तानाशाही कर रहा है नरेंद्र मोदी, देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा नहीं है। कौन इस देश का गधा मूर्ख ये बात कर रहा है प्रधानमंत्री पिछड़ा है? अरे ओबीसी का नहीं है वो, सारे दलितों की बहन बेटियों खराब करी ओबीसी की करी, और अब तो जो अपने आप को नुगरते नहीं जात उन जाटा की भी काज काट दी जंतर मंतर पे। आज वो कर गए चौधरी, ड्राइवरों को लूटा, महिलाओं को लूटा, छात्रों को लूटा, किसानों को लूटा, मजदूरों को लूटा। इस बेईमान ने छोड़ा कौन है देश के अंदर? इस देश के अंदर अंधविश्वास और पाखंडवाद ना फैलाते। इस देश के अंदर राम मंदिर के नाम पे जो राजनीति नरेंद्र मोदी कर रहा है इस देश के अंदर कभी पहले नहीं हुई। उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो हमारे को राम मंदिर का न्योता देने के लिए हमारे घर पे आ जाएं। ये तो आपको किसी ने बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि हम भी जा रहे हैं। तो आपके राम नहीं है? नहीं, हमारे राम नहीं है और? हमारा इस देश का संविधान है जिसकी बदौलत आज हम मान सम्मान से पढ़ भी रहे हैं कुछ कुछ और अपनी बात को भी कह रहे हैं। राम ने हमारे को इस कुछ भी नहीं दिया है, ना इनके काल्पनिक ग्रंथों ने हमारे को दिया है। आप तो विरोधी लग रहे हैं। नहीं, कोई विरोधी नहीं है। आपकी आस्था है, आप राम मंदिर जाइए, आप हनुमान मंदिर जाइए, आप जहाँ मर्जी जाइए, अपना सिर फुटवाइए, अपने घुटने तुड़वाइए, हमारे को कोई लेना देना नहीं है। पिछड़े मंदिर जा रहे हैं। अरे पिछड़े जा रहे हैं जब भी, तो उनके हालात खराब है। पिछड़ों को हम पूछना चाहते हैं राजनीतिक में हिस्सेदारी कहाँ है? आप कितने आईपीएस आईएस हैं? अरे आप सेवा करिए, शूद्र हैं। अच्छा हम सेवा करें और इस देश के अंदर ब्राह्मण माल मलाई मारे ये नहीं देखा जाता। इस देश के अंदर तमाम नागरिकों को शिक्षा मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए और राजनीतिक हक मिलना चाहिए। ब्राह्मणों से क्या दिक्कत है आपको? ब्राह्मणों से हमारे कोई दिक्कत ना है। हम क्यों करें ब्राह्मणों का विरोध? हम तो ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं और डंके भी चोट कर रहे हैं। भाई देश के अंदर आप तरह तरह के भगवान पैदा करके 3300 करोड़ देव देवता कर दिए, जो हर घर पे आप लूटमारी कर रहे हो, सेंधमारी कर रहे हो। अरे शिक्षा की बात करो, रोजगार की बात करो, ये देश का यूआरआईन की बात करो, तो मंदिर से शिक्षा नहीं मिलेगी? मंदिर से मिलेगी अंधभक्ति, अज्ञानता। और अपने भीतर जो अज्ञान बैठा है ना, जो समझदार आदमी होगा वो पहले उसी को मारेगा, बाकी इनको मारने की जरूरत नहीं है। शंकराचार्य ने विरोध कर दिया, अच्छी बात है। जिसका जितनी कुटाई छिताई होगी इस सरकार के अंदर सारे आ जाएंगे चिंटू पिंटू। अभी कुछ लोगों के धर्म का नशा उतरा नहीं है, धर्म का जैसे नशा उतर जाएगा वैसे ही जैसे शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये डिक्टेटरशिप कर रहा है, ये तानाशाही कर रहा है नरेंद्र मोदी देश का, तो सारे के सारे छोड़ के आ जाएंगे। इस वजह से नहीं आ रहे शंकराचार्य? शंकराचार्य कोई पिछड़ा नहीं है। नहीं, नहीं, प्रधानमंत्री सारे के प्रधानमंत्री पिछड़ा नहीं है। कौन इस देश का गधा मूर्ख ये बात कर रहा है प्रधानमंत्री पिछड़ा है? अरे ओबीसी का नहीं है वो 2002 के दंगे करवा के अपनी जाति को ओबीसी में डाला है। इस देश के अंदर उसको पता था कि कितने लोग मूर्ख हैं और उसका उसने फायदा उठाया। तो आप दिवाली नहीं मनाओगे 22 तारीख को? भाई हम तो ना तो दिवाली मना रहे और ना राम मंदिर पर जा रहे। जो अंधभगत हैं, जो इस देश का बेड़ा गर्क करने की अहम भूमिका में हैं, वो जाएं। अरे देश प्रगति पर है, देखिए देश में विकास हो रहा है। हाँ विकास हो रहा। अरे ये 17 से 27 साल का युवा इस देश का चिल्लाने लग रहा है। शिक्षा का बजट घटा दिया, नौकरी 2 साल की लाके दे दी, महिलाओं के ऊपर जो है छाती पे बूट रखे जाते हैं, तिरंगा जमीन में गाड़ा जाता है। ये है देश। अरे ये राम मंदिर के जो अंधभगत है वो आके बोलो तो एक बारी, देश के अंदर 750 किसान मारे गए, ये कहाँ गए थे राम मंदिर के? मीडिया कह रही है कि राम मंदिर जाओगे तो हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए उन चिंटुओं को जितने भी जाए वहाँ पे, पहले 1.5 लाख गए थे बावरी मस्जिद ढाणे को, और अब की बार ये ज्यादा जाएंगे। एक भी ना जाए अस्पताल तब पता चले। जितने जो गोदी मीडिया के एंकर है ना, जो अपने आप के सारे दिन अपने चाचा के गीत गाते हैं, वो सारे के सारे जब उनका पेट में दर्द होता है तो हॉस्पिटल में ही जाते हैं। वो नेताओं में इतना डर है, कह रहे हैं 20 और 26 के बीच
में मुसलमान घरों से ना निकले। अरे वो दहशत ना करे, वो फैलाई गई दहशत है। इस देश से मुसलमान नहीं जाएगा। अगर इनको कोई गलत फहमी है आरएसएस को बीजेपी को तो अपने दिमाग से निकाल दे। मुस्लिम लीडर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 20 से 26 तारीख तक? ये देखिए, जो जिसने भी ये दो बात कही है उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, क्योंकि इस देश के अंदर मुस्लिम होना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि इनको और किसी बात का काम नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर दो, गाय गोबर की बात कर दो, तो इस देश के अंदर बहुत कुछ है। तो दिए जलाओगे ना 22 तारीख? अरे हम क्यों दिए जलाएंगे, मारा केर से छोरे का ब्याह है। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी तानाशाही है। अरे और... लड़ाई तो पिछड़ों ने लड़ी, आप भी पिछड़े हैं। अरे पिछड़ों ने नहीं लड़ी है, और जो गद्दार लोग थे, जो गद्दार थे उन्होंने इनका समर्थन किया है। और इस देश के अंदर अन्यथा अब उनको भी समझ में आ गई है, अब भी उनको पता लग गया है कि नौकरी तारी गई, राजनीतिक हिस्सेदारी तारी गई। अरे अति पिछड़ों को इतना नशा था नरेंद्र मोदी का, आज अति पिछड़े अपना माथा पकड़ के रो रहे हैं कि हमसे क्या गलती होगी। जो लड़का 12वीं में था ना, जब इनकी सत्ता आई वो 12वीं में ही स्कूल छोड़ गया, और जिसका थोड़ा बहुत आगे बढ़ा वो एमए नहीं कर पाया, ग्रेजुएशन नहीं हो पाई, और पीएचडी में एडमिशन लेना तो उसके गांव में ही नहीं होगा कोई, छोड़ दीजिए। क्योंकि ये जो लूटने वाले जो लोग हैं ये बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, देश के अंधविश्वास पाखंडवाद फैलाते। डॉक्टर रितु के धरने में आप भी रहे, उनका धरना उठा देगा, उस पर क्या कहना है? देखिए रितु जी का धरना दोबारा फिर लग गया, और इस देश के अंदर हमारा बाबा साहब ने दिया हुआ संवैधानिक राइट है, संवैधानिक राइट है हमारा। वहाँ गए एसएचओ को कहा आप हमारे को धारा 144 के बहाने करो, आप हमारे को टच करिए, हम आपके साथ जाएंगे। लेकिन वायलेशन कर रहे हैं, वो वहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। अरे देश का दलित महिला अगर अपनी बात नहीं कह सकती है तो इस देश के अंदर क्या हो रहा होगा? जो पढ़े लिखे पीएचडी करे हुए, जो इस देश के अंदर संविधान को नहीं जानते, जिसको लेके देखा नहीं है, और पढ़ने की तो बात बहुत दूर रह गई है। जब तक इस देश के दलितों को पिछड़ों को संविधान नहीं पढ़ेंगे, अपने राइट का नहीं पता लगेगा, इस देश के अंदर ऐसे ऐसे तालिबानी आएंगे और ऐसे ही जनता को लूटेंगे और ऐसे ही जनता के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। तो क्या आप दलित पिछड़े अपने लिए आंदोलन भी नहीं कर सकते? नहीं, आंदोलन करेंगे ना। जब अभी कुछ दलाल भड़ुए रह रहे हैं जिसकी मोटी तौंदोरी है वो आएंगे, मोदी आएगा, वो आएंगे और कुटेंगे, क्योंकि कोई नहीं छोड़ा, सारे दलितों की बहन बेटियों खराब करी, ओबीसी की करी, और अब तो जो अपने आप को नुकरते नहीं जात, उन जाटा की भी कांच काट दी जंतर मंतर पे। आज वो कर गए चौधरी, आज उन्हें आना चाहिए। जीतेगा तो मोदी ना? अरे मोदी कैसे जीतेगा इस देश के अंदर 84 के अंदर 89 के अंदर ये कहा करते कि कांग्रेस देश से नहीं जाएगी, वही कांग्रेस आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। आप कह रहे हो नरेंद्र मोदी? अरे मोदी जी कांग्रेस, अरे मोदी जैसे कितने यहाँ पे आए, कितने चले गए, आप छोड़ दीजिए इन बातों को। नरेंद्र मोदी का नाम लेने से घबराएगी जनता के नरेंद्र मोदी बोले और पीछे तो जूत पड़े। ये ऐसे तानाशाही लोग हैं जो घर घर जाकर के चावल के नाम पे बहन बेटियों को तकते हैं, उनकी संपत्ति को टच करते हैं। देखते हैं कि इनके अंदर कितना धन है। देश में उत्साह है, आप देखिए। कोई उत्साह नहीं है, जितने लुटेरे जितने लुटेरे जितने बेईमान वो है अवध्या जाने वाले। इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की बात, सामाजिक न्याय का कोई भी व्यक्ति देश का राम मंदिर पर नहीं जाएगा। अरे देखिए ना, हम बार बार करे, ड्राइवरों को लूटा, महिलाओं को लूटा, छात्रों को लूटा, किसानों को लूटा, मजदूरों को लूटा, इस बेईमान ने छोड़ा कौन है देश के अंदर, जवाब दो। अरे ईमानदार है प्रधानमंत्री। अच्छा, गोदी मीडिया की तरह ईमानदार है। इस देश के अंदर अखबार और प्रिंट मीडिया और गोदी मीडिया कोई सच्चाई नहीं लिखता है, तो सब झूठे, सब मक्कार। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है फिर आपको? तो वही उसी को पूछना पड़ेगा। अगर तेरे पेट में दर्द होगा ना, तू जाके उन पत्थर से सिर फुड़वाइए अपना, डॉक्टर का नहीं जाए। मीडिया भगवा रंग पहन पहन के एंकरिंग कर रही है आजकल। जो गुंडे
जो मवाली चोर वो ऐसे देश के अंदर पाखंडवाद फैला रहे हैं। अगर वो जिंदा होते, अपने माँ बाप की संतान होते, तो वो देश के अंदर ऐसी घटिया बातें ना करते, इस देश के अंदर अंधविश्वास और पाखंडवाद ना फैलाते। इस देश के अंदर राम मंदिर के नाम पे जो राजनीतिक नरेंद्र मोदी कर रहा है, इस देश के अंदर कभी पहले नहीं हुई। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे 2024 में। अरे छोड़िए, कौन राम को लेके आने वाले हो गए? ये गद्दार बेईमान लुटेरे, ये अपने आप को राम को लेने वाले हो गए? ये कोई राम को लेने वाले नहीं है।